हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नितसंज किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक सिंपल रेसिपी। ये सिंपल सब्जी आप लोग कभी भी आपके घर में बना सकते हैं। जब आपके घर में सब्जी अवेलेबल नहीं हो और आपको बाजार में जाने के लिए बहुत बोर होता हो या आलस आती हो, तब आपके घर में तो अनियंस पड़े ही होंगे, तो आप ये उससे ये बहुत ही टेस्टी, सिंपल और टेस्टी सब्जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि हमने ये पाव के साथ ट्राई की है, और पाव का और इस भाजी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करो, और हमें आपका ऐसे ही सपोर्ट देते रहो और हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहो और नए डिशेस ट्राई करते रहो। तो चलिए, अभी हम लोग ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अनियन सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बारीक कटे हुए अनियन लिए, ये अनियंस लिए हैं, ये 6 अनियंस है जिसे हमने बारीक कट किया है। यहाँ पर ये एक मिर्ची हमने कट की हुई है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर कूटा हुआ गार्लिक और जिंजर लिया है, ये 6 गार्लिक की कलियाँ है और थोड़ा जिंजर है। यहाँ पर हमने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, हाफ टेबल स्पून राई ली है, हाफ टेबल स्पून जीरा, यहाँ हमने कोई एक कूट के लिया है, और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और हाफ टेबल स्पून हमने एक ग्रीन पेस्ट ली है। इस ग्रीन पेस्ट में हमने मिर्ची डाली है, कोरिएंडर लीव्स डाला है, और अदरक थोड़ा सा और गार्लिक थोड़ा सा, ये सब थोड़े पानी में हमने ये ग्राइंड किया है। और यहाँ पर भी हमने थोड़ी ली है इसलिए क्योंकि जो उसका स्वाद है वो अलग से मुंह में आना चाहिए, अलग से लगना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी और दी है। तो यहाँ पर हमने एक 4 पिंच सॉल्ट सॉरी हींग पाउडर लिया है, और यहाँ पर हमने थोड़ा स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो यहाँ पर हमने ऑयल हीट होने के लिए रखा है, ये 4 टेबलस्पून ऑयल है, 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो तेल अच्छी तरह से हीट होने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले गरम होने के बाद, तेल गरम होने के बाद सबसे पहले हमने इसे राई डालनी है। राई अच्छी तरह से फूटनी चाहिए, और उसके बाद हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड की है। तो उसके बाद हम लोग जो हमने आनियन कट किया था वो डालेंगे। और ये अभी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो अनियन ऐड करने के बाद ये अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे, और इसमें अभी हम सॉल्ट ऐड करेंगे पहले ही, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से जो कांदा होता है वो अच्छी तरह से नरम हो जाता है, और उसे टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट वो नरम हो जाता है, इसलिए हम सॉल्ट पहले ऐड कर रहे हैं। और इसका कलर अभी थोड़ा चेंज होने देते हैं, और इसका कलर चेंज होते ही हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं आनियन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है अभी। तो अब हम इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें ग्रीन पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो ऐड करेंगे, गरम मसाला, कुटा हुआ जीरा,
और धनिया पाउडर। और ये सब चीज़ें हम लोग अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग अभी ढक कर रखेंगे एक 2 से 3 मिनट तक, जब तक उसका जो आनियन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और कांदा भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा, इसलिए हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए अभी ढक कर रखेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है। इसे हमने ढककर 3 मिनट तक पकाया है और इसे हमने लो फ्लेम पर पकाया है। आप भी लो फ्लेम पर इसे पकाए, नहीं तो जो आनियन है वो चिपक सकता है इसलिए। तो अभी एंड में हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोरिएंडर ऐड करेंगे और ये अब हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। तो अभी हम लोग फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो हमारी ये कांदा भाजी बनकर एकदम तैयार है। स्मेल जो है इसका बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें भर भर के लहसुन डाला है, अदरक डाला है, उसका जो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है इस सब्जी में। और ये सब्जी आप लोग चपाती के साथ खा सकते हैं, पाव के साथ भी खा सकते हैं, पर चपाती के साथ स्पेशली ये बहुत अच्छी लगती है खाने को। तो ये सब्जी आप लोग ज़रूर अपने घर में बना कर देखो और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हमारा चैनल अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी हमें सपोर्ट मिले और वो भी नई नई रेसिपीज ट्राई कर सके। आप लोग ये भाजी जो हमने बनाई है वो आप लोग बच्चों के लिए टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ऐसे पाव में डालकर इसमें ऐसे भरकर, अलग से डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम इसमें पाव के अंदर ही डाल सकते हैं ये, क्योंकि ये सब्जी जो है वो पानी नहीं छोड़ती है। तो ऐसे डालकर आप लोग टिफ़िन में भी ये बच्चे के लिए पैक कर सकते हैं और आपका टाइम भी यहाँ पर सेव हो जाता है क्योंकि ये जो सब्जी है वो झटपट 5 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाती है।